दोस्तों आज मेरे हाथ में है ये स्मार्ट वॉच। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं इस स्मार्ट वॉच के कितने बेनिफिट हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस वजह से स्मार्ट वॉच ली जाती है वो यानी कि इसका एक्टिविटी ट्रैकर। सबसे पहले हमें वॉच में एक्टिविटी ट्रैकर देखना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इकोनॉमिकल रेंज की स्मार्ट वॉच है। ये मैंने अपनी फैमिली में मंगाई है, अपनी फैमिली मेम्बर को देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। लेकिन दोस्तों इतनी कमाल की वॉच है कि इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेलिंग देता हूँ। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो बटन सब्सक्राइब का है इसको आप दोस्तों जल्दी से ये पिटारा खोलते हैं और आपको मैं बताता हूँ ये स्मार्ट वॉच कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच है फायरबोल्ट की निंजा 3। जी हाँ दोस्तों, देखने में बहुत ही कमाल की है और 1.69 फुल टच डिस्प्ले है इसका। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ये विराट कोहली है। और देखिए स्मार्ट वॉच में ब्रांड एम्बेसडर का इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आपको जिस समय आप अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो आपको एक श्योरिटी होती है कि हाँ ये जो स्मार्ट वॉच है या फिर वो जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही रिलायबल है। दोस्तों इस स्मार्ट वॉच में सबसे पहले आपको मेडिटेटिव ब्रीथिंग मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा स्मार्ट कैमरा मिल जाएगा यानी कि कैमरा कंट्रोल मिल जाएगा। इसके बाद ये मल्टीपल वॉच फेसेस हैं। और इसके बाद अगर हम वेदर अपडेट की बात करें तो स्क्रीन पे ही आपको वेदर अपडेट मिल जाएगा। और इसमें आपका स्लीप मॉनिटरिंग आ जाएगी, कितना आप सोते हैं और कितना आप रात को कितनी बार उठे हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग आ जाएगी स्लीपिंग की। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी म्यूज़िक कंट्रोल की तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि आपका अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट है स्मार्ट वॉच आपके मोबाइल से तो उस मोबाइल के जो म्यूज़िक है वो आप उसका यूज़ अपने स्मार्ट वॉच में कर सकते हैं। और अगर हम ऊपर की पैकिंग की बात करें तो यहाँ पर फायरबोल्ट का आप देख सकते हैं ब्रांडिंग है। नीचे जो प्रोडक्ट है निंजा में निंजा 2 भी आता है, नॉर्मल निंजा भी आता है और निंजा 3 भी आता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो निंजा 3 है। इसके बाद अगर हम इसके वॉच फेस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी क्लेम करती है कि 170 प्लस वॉच फेस आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसके डिस्प्ले की तो ये 169 इंचज़ का फुल डिस्प्ले है, फुल टच डिस्प्ले है। और अगर हम बात करें इसके और फीचर्स की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 169 का फुल डिस्प्ले है। इसके बाद बात करें तो जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो 240x280 है। तो यानी कि अगर हम सनलाइट में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसका रेजोल्यूशन आने वाला है। बात करूँ इसके अदर फीचर्स की तो सबसे पहले तो इसमें फ़ीचर्स इसमें जो आप इस बॉक्स में देखेंगे वो आएगा 169 का फुल टच डिस्प्ले, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसके बाद अगर हम इसकी बात करें पिक्सल रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर 240x280 का पिक्सल रेजोल्यूशन है। यानी कि अगर दिन में भी आप इसको देखेंगे तो इसमें जो आपको टाइम है, इसका वेदर है या और फंक्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। और इसके बाद अगर हम इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो यानी कि अगर हम कम ऐप्स इसमें एक्टिव रखेंगे 24 आवर्स तो यहाँ पे हम 7 दिन का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। नहीं तो इसका जो बैटरी बैकअप आएगा लगभग 3 से 4 दिन का आएगा। अगर हम बात करें इसका स्मार्ट नोटिफिकेशन की तो यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा जो भी आगे मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ कि आप अगर नोटिफिकेशन आप मैक्सिमम रखेंगे तो यहाँ पर आपको कई नोटिफिकेशन जो है वो आपके आएंगे, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सबके मैसेज आएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका यहाँ पर मेज़रमेंट का तो यहाँ पे SpO2 भी ये मॉनिटरिंग करता है, हार्ट रेट सेंसर है इसका वो ट्रैकिंग करता है। इसके बाद 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड हैं। तो दोस्तों वैसे तो अगर हम नॉर्मल अगर हम अपने स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो हमारे 10-15 ऐसे स्पोर्ट्स मोड हैं जो हम इजीली डेज़ बाई डे हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया है कि ये लगभग 60 स्पोर्ट्स मोड को मॉनिटरिंग करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे मेन बात, जी हाँ, इसमें IP68 की रेटिंग है जो यानी कि आप इस ये पूरी फुल्ली वाटरप्रूफ है, इसको आप पहन के स्विमिंग वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी वॉच ये आई है। और इसके बाद अगर हम इसकी MRP की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि 9,999 रुपीज़ की इसकी MRP है, यानी कि 10,000 रुपये की MRP है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे म्यूज़िक कंट्रोल की तो अगर दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इस वॉच में आपका म्यूज़िक नहीं चलेगा लेकिन आप इस वॉच से अपने स्मार्टफोन का म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा फीचर है ये।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आइए सबसे पहले हम इसको ऊपर से तो हमने इसको देख लिया है, अब इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी हम इसको अनबॉक्सिंग के लिए बुला रहे हैं अपने लिटिल चैंप को। जी हाँ दोस्तों, इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी वैगनआर को लेके, माइक्रोटेक को लेके। और दोस्तों अभी आप आइए और ज़रा इसको अनबॉक्सिंग कीजिए। अरे लिटिल चैम्प, आपने तो बहुत ही अच्छी वॉच दिखाई है। ये देखिए, ये मैंने मंगाई है रोज़ गोल्ड कलर में। जी हाँ दोस्तों, ये कलर बहुत ही प्यारा कलर है और ये मैंने अपनी फैमिली मेंबर को गिफ्ट देने के लिए ये पीस मंगाया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो इसका फ्रेम है ये टोटली मेटल का ना होके ये ओनली प्लास्टिक का है। ये इस तरह का डेटा केबल है, जिसको हम डेटा केबल ना कह के इसको चार्जिंग केबल कहेंगे। और इसको हम यहाँ पर इसको गाना ये तो गाना ऐप जो है यहाँ पर 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दे रहा है जो इस वॉच के साथ है। और इसके बाद अगर हम बात करें वारंटी के साथ साथ इसमें और जो सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर लगभग बुक माई शो का कुछ इसमें आपको सरप्राइज़ कूपन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसका बेनिफिट। दोस्तों मुझे सबसे अच्छी जो लगी ना इसका चार्जिंग का लगा सिस्टम, क्योंकि आप ये देखिएगा ये मैग्नेटिक है और ये यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे जब भी आपकी वॉच लगभग 3 से 4-5 दिन जब चलती है तो जब आपको चार्जिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी तो बस आपको यहाँ पे टच कर देना। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको उल्टा लगाएंगे, यानी कि अगर इसमें आप इसको इसके जो पॉइंट टू पॉइंट से थोड़ा सा अलग करेंगे तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक चार्जर इंस्टॉल नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर आप इसको आप चाहेंगे कि अब ये आपको सीधा लगाना है, ये देखिएगा सीधे में एकदम ये आपका इसमें पूरी तरह से सेट हो गया। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इस साइड की जगह अगर हमें इस साइड लगाना है तो आप देखिएगा हम कितना भी चाहें लगाना, जैसे होता था ना स्पीकर के पीछे की मैग्नेट होती थी, तो दो स्पीकर को अगर हम उल्टा कर देते तो दोनों मैग्नेट जो है ना चिपकने की जगह थोड़ा सा दूर भागनी शुरू हो जाती थी, तो वही चीज़ें जो है ना यहाँ पर इस वॉच के साथ और इस मैग्नेट के साथ है। आप देखिएगा कितना भी जोड़ लगा लो यहाँ पर ये मैग्नेट जो है ना इस पर नहीं चिपकेगी, और क्योंकि ये रॉन्ग वे है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे खाली सिर्फ ऊपर रखा और एकदम चिपक गई, तो ये अपने आप ही पॉइंट भी कैच कर लेता है। ये सबसे अच्छा मुझे चार्जिंग का सिस्टम। तो दोस्तों इस चार्जिंग के साथ साथ इसका जो एडॉप्टर है इसको रेकमेंड करेंगे हम 5 से 10 वॉट की। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा वॉट इसमें लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही छोटी है। अगर आप यहाँ पर 22 वॉट का, 60 वॉट का या 120 वॉट का चार्जर लगाएंगे तो इसकी बैटरी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसमें नॉर्मल आपका जो 5 से 10 वॉट वाले चार्जर आते हैं वही। तो दोस्तों ये जो वॉच है अभी टाइम आ रहा है इसका स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले हमारी लिटिल चैम्प इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर का जो ये रैपर है ये इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा फायर बोल्ट की जो ब्रांडिंग, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इंटरफेस है इसका। और इसके बाद अगर हम इसकी वॉच फेस वगैरह या कुछ भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमें डाउनलोड करना होगा डाफिट के नाम से एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर हमें जेंडर, मेल फीमेल, इसमें आपका बर्थडे, जैसे मेरा जो बर्थडे है वो 16 दिसंबर है दोस्तों आने वाला है, ध्यान रखिएगा, विशेष करना मत भूलिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके विशेष का। और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन कर दिया, और मेंशन करने के बाद इसको मैंने डन कर दिया। डन करने के बाद इसमें हाइट और ये वेट वगैरह ये सब मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद इसको हम जाते हैं प्रोफाइल के बाद, इसको यहाँ पर इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप स्ट्रैप है, स्ट्रैप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या होगा कि इसको पेयर करना होगा। पेयर करने के लिए यहाँ पर स्मार्ट वॉच में जाना है और ऐड ए डिवाइस पे जाना है, ऐड ए डिवाइस पे व्हाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पर ये निंजा 3 का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि जो यहाँ पर फायर बोल्ट ने जो ऐप दिया है वो दिया है डाफिट के नाम से। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कनेक्टिंग की तो यहाँ पर ब्लूटूथ से इजीली निंजा 3 की जो ये वॉच है जो बैटरी की परसेंटेज भी दिखा रहा है ये यहाँ पे
ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गई। यहाँ पे अगर हम वॉच फेस की बात करें, कंपनी ये क्लेम करती है कि यहाँ पे 170 वॉच फेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद ये देखिएगा, ये यहाँ पे इसके अपने हैं। इसके बाद अगर आप और भी डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर आपको जैसे किड्स के वॉच फेस होते हैं वो भी, और साथ में आप अगर अपने प्रोफेशनली भी कुछ वॉच फेस लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपको 170 मतलब अप टू 170 आपको वॉच फेस इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बीच में, अगर हम बात करें इन कूपन्स की, जो कूपन्स अभी यहाँ पे फायरबोल्ट हमें दे रही है, जैसे गाना का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे बुक माई शो का आपका टिकट फ्री मिलता है इसमें, ये आपका रजिस्ट्रेशन है वारंटी के लिए, और यहाँ पे फाइनली आ जाता है यहाँ पे जो प्ले ऐप मेंबरशिप है, जो इनकी अपनी मेंबरशिप है उसके लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कभी भी आप इसको QR कोड से स्कैन करेंगे तो जल्दी से आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा। पता नहीं कंपनी ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि इसमें ना आपको बार बार अगर हम क्रोम से करेंगे तो क्रोम से ये जल्दी से QR कोड पे स्कैन होने के बाद ईज़िली इसमें जो आगे जाके आपकी इनवाइस अपलोड और आपके रिव्यूज़ अपलोड हैं वो आपके जल्दी से नहीं होंगे। तो दोस्तों उसका एक ऑप्शन है और मैंने देखा है, आप अगर किसी और ब्राउज़र से अगर इसको QR कोड से स्कैन करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, यानी कि ब्रेव ब्राउज़र हो गया या कोई और भी ब्राउज़र आप देखें, मैंने ब्रेव से देखा था, तो वहाँ पे इजीली ये हो गया और ये सारे जो कूपन्स हैं ये वहाँ पे एक्टिवेट हो गए। अच्छा, हम आते हैं अपनी वॉच पे। तो वॉच का ये फेस है, ये देखिएगा, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला फेस मेरा लग जाए, तो ये देखिए वॉच फेस में मैंने ये किया और यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया। तो डाउनलोड में बॉस थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा सा टाइम लगने के बाद क्या होगा कि ये वॉच फेस इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज आ गई कि ये डाउनलोडिंग हो रहा है, और ये कितना परसेंट है ये आपको मोबाइल पे और वॉच पे दोनों में दिखाई दे रहा है। तो ये देखिएगा, ये वॉच फेस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। ख़ासकर ये वॉच किड्स को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों मेरा अपना मानना ये है कि जब ये 3000 की प्राइस रेंज में था उस समय ये थोड़ा सा कॉस्टली लगता था, लेकिन आज दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऑफ़र में आया है। ये मात्र 1499 रुपीज़ में ये मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया वॉच है ये। ये देखिएगा, ये वाला जो वॉच फेस है ये इजीली हमने इस पर इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद हम आगे जाते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोन मैसेज और आपका फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब पे आप कर सकते हैं, या अदर करके आप सभी पे ये एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान ज़रूर आपको रखना है कि नोटिफिकेशन में आपको ज़्यादा एप्लीकेशन के एक्सेस नहीं देने हैं। रीज़न क्या होता है कि जब आप ज़्यादा एक्सेस देते हैं तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है, वॉच की बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात आती है अलार्म की, दोस्तों यहाँ पर अप टू 3 टाइम आप अलार्म सेट कर सकते हैं, और इस अलार्म को सेट करने के बाद आपके वॉच में वाइब्रेट होगा और वहाँ पे इजीली आपको विकअप मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आगे शटर का है। यहाँ शटर वाले ऑप्शन पे आप जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा ये फ़ोटो कैमरे से ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है शटर का, यानी कि कभी भी आपको ग्रुप सेल्फ़ी लेनी है या फिर खुद अपना आपको सेल्फ़ी लेनी है और आप उस ट्रेंडी से आप दूर खड़े हैं तो आप वॉच से इजीली आप इसको अपना फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अदर की, अदर पे जब आप जाते हैं तो फाइंड डिवाइस, यहाँ जब भी आप फाइंड डिवाइस पे जाएंगे तो जैसे ही आप ये फाइंड डिवाइस करेंगे तो एकदम वाइब्रेशन होगा वॉच में, तो इजीली आप वाइब्रेशन से या उसकी आवाज़ से आप इजीली अपने वॉच को फाइंड कर सकेंगे। इसके बाद आपके टाइम फॉर्मेट है 12 या 24 आवर्स का, और यूनिट सिस्टम इसमें अगर यूनिट सिस्टम की बात करें इंपीरियल, ये ही बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। डू नॉट डिस्टर्ब आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बहुत सारी कॉल्स आपकी रह जाएंगी, आप जानते ही हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब क्या होता है। इसके बाद रिमाइंडर टू मूव, अगर आप बीच में जैसे हमने सुबह 10 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक हमने ये रिमाइंडर लगा दिया टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो जब आप 1 घंटा कहीं बैठे रहेंगे तो ये वॉच आपको रिमाइंड करती रहेगी कि आप थोड़ा सा चले फिरें, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करें, तो वो एक अच्छा रिमाइंडर इसमें आता है। इसके बाद अगली बात हम करते हैं ये हार्ट रेट डिटेक्शन की।
ये अगर आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट में हार्ट रेट का एक्सेस ये देता रहेगा आपको, आपकी हार्ट रेट बताता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसमें बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ी से होती है। इसके बाद हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज आप अपनी सेट कर सकते हैं। ऑटो लॉक, जैसे कि ये वॉच बार बार ऑफ हो रही है, ऑफ़ का मतलब इसका जो स्क्रीन टाइम है वो ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे आप 20 मिनट 20 सेकंड्स 25 सेकंड्स ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं रीसेट में, आप चाहें तो यहाँ पे रीसेट्स वगैरह भी कर सकते हैं। और क्विक व्यू में आप चाहें तो क्विक व्यू भी आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर का जो रिमाइंडर है ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं टाइम कि आपको किस टाइम में आपको ड्रिंकिंग वाटर का रिमाइंडर चाहिए, जिसमें आप यहाँ पर अपनी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका रिमाइंडर कितने बार आपको चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे। हार्ड रेट वार्निंग में क्या होता है कि जब आप हार्ड रेट वार्निंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे BPM सेट कर सकते हैं, जैसे 150 BPM है या 160 है, तो जैसे इससे अबव होगा तो आपके पास ये रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम वेदर की बात करें, वेदर बहुत अच्छा है इसमें। टेम्परेचर सिस्टम आप सेल्सियस में, सिटी में आप जो भी आपका सिटी है, जैसे मान के चलिएगा देहरादून है, तो यहाँ पे हम देहरादून सेट करेंगे और यहाँ पे देहरादून का वेदर आपको वॉच में शो होने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर अपग्रेड है, अपग्रेड आपका इस समय ये एप्लीकेशन अप टू डेट है यहाँ पे अपग्रेड करने की। यहाँ पे प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, यहाँ पे गोल में मैंने यहाँ पे 15,000 का गोल सेट किया है, तो यहाँ पे हम 15,000 जैसी स्टेप पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर भी आ जाएगा, और या फिर हमारा कम होगा तो वहाँ पे तब भी रिमाइंडर आ जाएगा। और बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा सही है। गूगल फिट का भी आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम वॉच ऐसी हैं कि जो गूगल फिट को सपोर्ट करती हैं, जो कम रेंज की होती है। दोस्तों मैं इस वॉच को आपको रेकमेंड करूँगा। रीज़न क्या होता है कि इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग के अलावा सारे फीचर्स हैं, और सबसे अच्छी बात है इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। आप फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4.2 4.3 हर एप्लीकेशन की या फिर हर जो आपके सेंसर्स हैं उनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों मैंने जो अभी तक यूज़ किया है मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी इसके बारे में बताएं कि इसमें अगर आपने ये वॉच खरीदी है या फिर आप इसको बाय करने वाले हैं तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। इसके बाद अगर हम स्ट्रैप की बात करें, जैसे मैंने अभी ये वॉच ली है तो अभी तक मैंने 2196 स्ट्रैप ही ओनली हमने इसका किया है। स्लीपिंग में अभी तक मैंने अभी स्लीपिंग का रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि आज मैं ये स्लीपिंग का रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हार्ड रेट है, हार्ड रेट इसमें यहाँ पे 101 तक लास्ट आ गई है। इसके बाद हम ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल मोस्टली बिल्कुल सही आता है। अगर हम बात करें जो ऑक्सीमीटर होती है, ऑक्सीमीटर और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो का ही डिफरेंस आता है और ज़्यादा नहीं आता है। और ब्लड ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ। आउटडोर रनिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप GPS का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जो आपके फ़ोन से GPS का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये प्रोसेस है, और मुझे ये जो वॉच है ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। और इसके बाद अगर मैं इस वॉच के लिए आपसे कहूँ कि ये 4099 में बहुत ही अच्छा इसमें ऑप्शन है, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 4099 में अगर आपको ये वॉच मिल रही है, यानी कि फायरबोल्ट का निंजा 3, तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि निंजा 2 जो है ब्लूटूथ कॉलिंग वाला जो है वो आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसके रिव्यू बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और साथ में एक चीज़ और है कि आप इसको स्ट्रैप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कि सबसे अच्छा इसमें ये चेंजिंग का सिस्टम है कि इसमें आप ये निकाल सकते हैं, और यहीं से ये मेटल का है, मेटल से ये स्ट्रैप को आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको राइट लेफ़्ट दोनों साइड में आपको मिल जाएगा। इसका सेंसर बहुत अच्छा है, और दोस्तों फैमिली में गिफ्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया वॉच है। और आपके घर में किड्स हैं, किड्स को आप वॉच गिफ्ट करना चाहें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ये आपको ये वॉच कैसी लगी है? आज के लिए यहीं पे मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, और तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।